हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, जैसे कि ये आप मोटर देख रहे हैं ना, तो इस मोटर में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, वो कार्बन किसे बोलते हैं आप देख लीजिए एक बार। तो देखिए, इसे हम कार्बन बोलते हैं। ये अगर ना इसके अंदर दिया है तो ये मोटर नहीं चलेगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा और हम लोगों को कब चेंज करना है, इसके रिलेटेड ये वीडियो होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, कुछ जैसे कि ये हम इसका कार्बन को चेंज करें, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपना जो मशीन का जो पावर है ना, तो मानिए ये हमारा मशीन का जो पावर है, ये अगर ऑन हो रहा तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। ठीक है, और अगर हो सके, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि क्या होता है फ्रेंड, कभी कभी जैसे कि प्लग लगाने के बाद भी ये मोटर चलता है, यानी कि कनेक्शन रह जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, हम डायरेक्टली इसे उठा लेते हैं, यानी कि अपने पावर से इसे डिस्कनेक्ट करना है हमें, किसी भी हाल में कर दिया है। और उसके बाद ये रहा हमारा वो मोटर है, और हम लोग सबसे पहले हम चेक करेंगे इस जगह को, आप लोगों को देखेंगे। इस टाइप के मोटर के बारे में मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, और दूसरी टाइप अगर मोटर हो, मगर आप लोग देख लेंगे सभी जगह में ये कार्बन का जो चेंज करने का जगह मिलता है। ठीक है, हमारा जो यानी कि हम जो मोटर दिखा रहा है, इस मोटर में इसी तरह का ही सिस्टम है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए, जब हम इसे खोलेंगे इसी तरह, तो ये इसी तरह, मगर फिर से मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ फ्रेंड, आपका जो पावर है उसे ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो शॉक लग जाएगा। और ये देखिए हमारा ये कार्बन, ये देखिए छोटा हो गया है। ठीक है फ्रेंड, ये जब चलेगा, अभी चलेगा, और ये ऐसे हो जाता है, तब आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा जो ये मोटर नहीं चलेगा, तो उस वक्त आप लोगों को ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से चेंज करना है। तो आप लोगों को बता दूँ एक चीज़, तो कब पता चलेगा फ्रेंड आप लोगों को जी ये हमें चेंज करना है, तो देखिए आप लोगों को ये सारे सिस्टम वगैरह सब ठीक ठाक है, तो उस वक्त आप लोग देखेंगे आपका जो मोटर है, यानी कि आप लोग जब पैडल कर रहा है तो उस वक्त स्पीड नहीं आ रहा है, धीरे 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 उसका स्पीड कम हो रहा है। ठीक है, तो जितना चलाएंगे ये उतना ही ये यानी कि ये कम हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो उस वक्त हमें चेक करना है ये सही है कि नहीं। तो हमने देखा है कि हमारा तो ये सही है, तो आप लोगों को अगर सही ना हो तो इसी तरह चेंज करना है। उसके बाद देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ फ्रेंड, मानिए मैं नया नहीं खोल रहा हूँ फ्रेंड, ये इसी तरह निकलना है। कार्बन एक एक पैक में दो पीसेस मिलता है, ये देखिए दो, यानी कि एक मोटर में दो चाहिए, एक इधर ऊपर का और एक नीचे वाला हिस्सा चाहिए। ठीक है, नीचे भी सेम सिस्टम है, नीचे में नहीं दिखा रहा हूँ, ऊपर में जैसा सिस्टम नीचे में भी वैसा सिस्टम, एक इसी तरह घुमा के ओपन करना है। तो उसके बाद ये स्प्रिंग वाला हिस्सा ये ऊपर रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये ऊपर रहेगा और ये वाला हिस्सा ये नीचे रहेगा ऐसे, और देने के बाद ये। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये अगर छोटा पड़ जाए, मानिए आपके पास अभी फिलहाल कार्बन नहीं है, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, तो भी काम चल जाता है। ये कैसे काम होता है, क्या ऊपर से प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है फ्रेंड, वो प्रेशर से इसका काम होता है, तो अगर ना रहे तो इंस्टेंट एक दो घंटे के लिए आप इसी तरह काम करके चला सकते हो, अदरवाइज नया खरीदना है तो इसी तरह देना है। उसके बाद फिर से इसे इसी तरह ऐसे करके घुमा के इसे इसी तरह अटकाना है, इसे इसी तरह ढक्कन को लगाना है इसी तरह, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है, जो लोग नया सीख रहे हैं तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम तो आता है, जो लोग मशीन हैंडलिंग कर रहे हैं उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग ज़रूर मोटर में कोई खराबी आने से पहले अगर स्पीड ना हो तो एक बार इसे एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, एक इधर रहता है और एक नीचे रहता है, तो चलिए नीचे भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को, नीचे कहाँ पर है मोटर का, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और भी छोटा सा, ठीक है फ्रेंड, दिख रहा है ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा, बस ये दोनों को चेंज करना है। तो इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलना है, आज के लिए इतना सही था। और जाने से पहले फिर से आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।